सारी ये मुश्किलें हुई हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमें मतलब ये कोई खुशी की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको सोचा था कि भाई वो जो पिटीशन फाइल हुई थी शुरू में, तो हमने जाके कोर्ट में उन चीज़ों को देखा और सारी चीज़ें चैलेंज की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें हर कोर्ट से कामयाबी मिली है, क्योंकि हम सच्चाई करते हैं और हमने उसको बहुत मेहनत से, मेरे जितने कुलीग ये खड़े हुए हैं आप समेत, इन सब ने जितनी मेहनत की है केस लॉ ढूंढने में, फैक्स करने में, फिर बुशरा ने खासतौर पर हमें जो हेल्प आउट किया है, हमारी साथी भी हैं, वकील साथी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मौजूद भी नहीं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरू किया, हमने कानूनी तौर पर हमारी पोजिशन बहुत मजबूत थी, और ये जो लाश की बेहरमती करना चाहते थे वो नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। और हमें यकीन है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जो जो आज जो मैं देख रहा था कि किस तरह से उनकी थर्ड जो वाइफ, तो वाइफ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो आमिर दाकत उनके लिए जवाब उनको खुला ग्रांट कर दे चुके थे, और उन्होंने जो जवाब बनाया था और जो उनके गवाहों ने दस्तखत भी किए हुए थे जो मामलों में दाखिल होना था, तो बात यह है कि उनके लवाइकी में तो सिर्फ दो लोग ऐसे हैं कि जो मैटर करते हैं इसमें, बेटा और बेटी है, और दोनों को जितनी तकलीफ हुई होगी, और वो आके उन्होंने अपना इंस्टांस बदला है क्योंकि वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। उनके खिलाफ साइबर क्राइम का जो है ना वो ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है FIA में वहाँ भी, और जहाँ तक ये हमारे पिटिशनर की बात है, कोर्ट ने बहुत क्लियरली, सेशन जज ने जो कोर्ट में आज ऑर्डर को ये कहा है कि उनका ऑर्डर बिल्कुल सही है, जो एडिशनल सेशन जज ने ऑर्डर किया था, और एडिशनल सेशन जज ने लिखा है कि जो पिटिशनर है वो उसकी दुश्मनी थी, उसके फेसबुक पे उसकी दुश्मनी के बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस किए थे, जो जज साहब ने जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसा केस है कि कोर्ट को तो एक ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था कि पिटिशनर ने जितना कोर्ट का जो है टाइम ख़राब किया, जितना उसने दुख दिया उनके जो लवाइकी को, उसके खिलाफ एक बहुत स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, और हो सकता है कि हम वो के डैमेजेस का केस और साइबर क्राइम के केस को कंसिडर करें कि ये जो चीज़ें हुई हैं इतने अरसे में, हम उस पर ज़रूर उसमें कोई उनको उनके उस तक पोजिशन तक पहुँचाने के लिए जाएँ कि वो आइंदा किसी को इस तरह दिल दुखा ना सके। बाकी चीज़ों में इंसान करता रहता है पिटिशन, कोई आपके मसले हैं मकामी हुकूमत के, सिंध गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें तो लोग जाते रहते, लेकिन इस तरह लोगों के सेंटिमेंट्स से खेलना और उनको इतना दुख देना वॉज नॉट करेक्ट। तो उनको ये लर्निंग होनी चाहिए कि वो कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं अभी नया नया वकील हूँ, अगर वकील होते हुए उन्होंने उसको नहीं समझा कि लोगों के सेंटिमेंट क्या होते हैं, तो वकील तो हमेशा हक बात के लिए लड़ते रहें, और हमेशा हमारी कोशिश है, हम जो है ना उनके अपने जाकर के बच्चों के साथ हैं, बुशरा जो उनकी एक्स वाइफ है, जो अपने बच्चों की माँ है, हम उनके भी जो है ना वो मामला उनके साथ खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, हमें हर फोरम पे कामयाबी मिली है और आगे भी मिली। थैंक यू वेरी मच जिया भाई। जी डॉक्टर बुशरा, आप पाकिस्तान की वो अजीम खातून हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इतने डिप्रेशन के बावजूद आपने लीगल प्रोसीडिंग को पूरा जो है ना उसका हिस्सा बनी, और अपने बच्चों के हुकूक के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई। आपने दीन का जो फरीजा है कि लाश की बेहरमती नहीं होना चाहिए, उस जनाब जो ने पिली को आप लेके चलें, और माशाल्लाह से आज हमने आपके जो जज्बात देखे, और हकीकत है कि बड़े मुतासिर कुन है कि जो शुक्राने के आपके आंसू निकले। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों की तर्जुमानी कर रही हैं, क्या महसूस करती हैं, आज ये खबर आपके बच्चों को पहुँचेगी तो क्या उनकी जनाब जो है ना मसद फीलिंग होगी, हम ये तमाम चीज़ आपसे जो है ना पूछना चाहते हैं। जितने भी सजदे शुक्र के अदा किए जाएँ कम है, क्योंकि बुरा है जो हक पे चलने वालों को घेरा नहीं छोड़ता। कितना भी बड़ा क्राउड आ जाए, कितने भी बड़ी बड़ी पावर्स आ जाए, पर हक के आगे किसी की पावर नहीं चलती। और मुझे मैं बस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास शुक्राने के अल्फाज ही हैं जो मैं अपने अल्लाह ताला को शुक्र अदा करूँगी, और
किया, अल्लाह ताला ने हमको ठीक पता की, हमको सुकून किया। सही कह रहे हैं आपके बच्चों को जब पता लगेगा आज अहमद की पहचान नहीं है, भी यही जज्बात होंगे जो मेरे थे वो भी, क्योंकि हमें पता है हम इतने अरसे में आमिर के इंतकाल को 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों में हम किस तकलीफ से और किस अजियत से गुजरे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। ऐसा भी हुआ कि बीच में हम पर कुछ लोगों ने इस तरह की आवाज़ें भी उठाई, हमारे कुछ पर्सनल वफात है, मुकासद है, कोई मकसद नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शायद ये भूल जाते हैं दुनियादारी करते हुए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते ताल्लुक बहुत अहमियत रखते हैं। ये पैसा तो नसीब है, इंसान का नसीब है तो चल कर खुद आएगा, नहीं है तो कोई दे नहीं सकता सिवाय अपनी ज़्यादा, तो पैसा कुछ नहीं होता। ये ताल्लुकात, ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं और अहमद और दुआ का जो ताल्लुक था आमिर से, जाहिर है औलाद और बाप का ताल्लुक जो कोई मिटा नहीं सकता। बड़ी लोगों ने उसी बातें, मासूम बच्चों ने बहुत कुछ सुना है, वो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे तकलीफ भी हुई लोगों के कुछ कॉमेंट से भी, और ये जो साहब हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली जो ये तकलीफ दी है, मुझे अफसोस होता है। वो मेरे बेटे से कुछ थोड़े से बड़े ही होंगे, 1-2 साल ही बड़े होंगे, पर मुझे अफसोस होता है कि हमारे आज भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि इसमें काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, पर एक रूह को और एक जिस्म को अजियत देने के लिए वो तुले हुए थे इस चीज़ पर कि उन्होंने उस उन खातून को भी पार्टी बनाया जो कि खुद आमिर की मौत की वजह सबब है। तो उस चीज़ को अगर उनका इंटेंशन यहीं से सामने आ जाता है और सारी सब चीज़ें एक तरफ मेरे साथ जो सारे लोग खड़े रहे इस दुनिया में, अगर ऐसे लोग हैं जो बातें पर उनके साथ होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो हमके साथ होते हैं। और सर ज़िया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि पूरी टीम का, जितने सारे लोग हमारे साथ थे इंक्लूडिंग आप और सभी को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरे अहमद दुआ के दिल से सिर्फ दुआएँ ही निकलती हैं, क्योंकि जो किरदार सर ने अदा किया है, जो रोल सर ने प्ले किया है और जिस तरह ये खड़े रहे हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह हमारे मेरे साथ बच्चों के साथ, इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। बस यही है कि ताउमता ज़िंदगी सर के लिए दुआएँ ही दुआएँ हैं और आप सबका शुक्रिया, उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस पूरे फेज़ में सपोर्ट किया, दुआएँ की। बहुत सारे लोग हैं आमिर के बहुत चाहने वाले, बहुत सारे फैंस हैं जो दुआएँ करते रहे और इंतज़ार करते रहे, मुझसे पूछते थे सोशल मीडिया पर भी कि अगली डेट कब, उनको डेट्स तक याद रहती थी। तो ऐसा नहीं है, आमिर के लिए दुआएँ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आगे भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला आया है, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, हमारे यहाँ लॉ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हर, जैसे सर ने कहा कि हर फोरम पे हमें पूरी सपोर्ट मिली, हमें पूरा फेवर मिला, कि हम लीगल ग्राउंड्स में हो, चाहे रिलीजियस ग्राउंड्स में हो, चाहे जिस हवाले से भी हो, हम पूरी तैयारी के साथ आए और हमने कहीं किसी झूठ का, किसी गलत चीज़ का साथ नहीं लिया, हमने कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की। थ्रू आउट हम हक और सच पर ही रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता हो, अल्लाह का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बुशरा, आखिर में मैं सिर्फ ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ पे मबनी तो फैसले बहुत होते हैं, लेकिन इतना बाइज्जत इंसाफ पे मबनी फैसला आज लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक माँ की फतह की, एक मजलूम बच्चों की फतह हुई, जो जनाब जो है हक़ पे थे, सच पे थे। और आप लोग क्योंकि रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं चाहते थे कि लाश की बेहरमती हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कामयाबी दी ज़िया भाई के जनाब जो है ताउन से, और माशाल्लाह से आज हाई कोर्ट के अंदर इतने हाई लेवल पे जनाब जो है इसकी पूरी जनाब हियरिंग हुई है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे इस पे लगे और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें कामयाबी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्राने के तौर पे आपके आखिर में हमें कुछ जुमले चाहिए। बस बेशक शुक्र तमाम तारीफें अल्लाह की है और वही हक का साथ देता है, वही हक है और वही हक का साथ देता है। कभी भी सच बोलते हुए या सीधी राह पर चलते हुए डरना नहीं चाहिए। जब आपको पता हो कि आप सीधे रास्ते पर हैं तो बस वो रास्ता ले लें। मुश्किलें आती हैं, सीधे रास्ते पर ही मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसका एंड जो है वो कामयाबी ही होती है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।